गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे आप सभी? लास्ट वीडियो हमने डिस्कस कर रही थी अबाउट डीएनए एंड देयर कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियोटाइड। हमने वहां पर प्यूरिन और पाइरिमिडिन की स्ट्रक्चर डील कर ली थी। वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जो हम लिखना भूल गए थे। यूरेसिल में इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो दिस कार्बन हैव डबल बॉन्ड। ओ ठीक है, तो दिस वन इज द यूरेसिल। ये यहाँ पर स्लिप हो गया था माइंड से, तो यहाँ पर ये यूरेसिल को करेक्ट कर लो। आफ्टर न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर वी डील अबाउट द बॉन्डिंग, के बॉन्डिंग किस तरीके से होगी। नाउ वी डील द बॉन्डिंग। बॉन्डिंग किस किसके बीच में? नाइट्रोजन जो बेस है उनके बीच में और शुगर के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी वो हमें यहां पर देखनी है। देखिए, जो हमने देखा था जो ए है वो टी के साथ बॉन्ड करता है और जो जी है दैट मेक बॉन्ड विद द सी। ए और टी के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, टी जी और सी के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो बेटा जो ये बॉन्ड बनेंगे दो वो किस किस पोजीशन पर बनेंगे? ए और टी के बीच में कौन कौन सी पोजीशन एक्वायर होगी, जी और सी में कौन कौन सी पोजीशन एक्वायर होगी वो हमें यहां पर बात करनी। तो ए और टी में जो पोजीशन होगी दैट विल बी द वन एंड थर्ड के बीच में होगी, सिक्स एंड फोर के बीच में होगी। ठीक है, वन और थ्री, सिक्स एंड फोर। ठीक है, यानी एडिनिन का वन और थाइमिन का थर्ड और इसका सिक्स और इसका क्या होगा फोर यूज होगा। तो ये तो गई ए और टी की दो बॉन्डिंग के कहां कहां पर बॉन्ड बनेंगे। दूसरा जी और सी की, देखिए जी और सी में कितनी पोजीशन पर होगा, तीन पोजीशन पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। वो तीन पोजीशन कौन कौन से जहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने यहां पर देखा है वन थ्री सिक्स वन, इसी तरीके से यहां पर होगा बिटवीन वन एंड वन। दूसरा दैट इज टू एंड सिक्स, तीसरा है दैट इज सिक्स एंड टू। ठीक है, एट थ्री पोजीशन पर बॉन्ड बनेगा इनके बीच में और यहां पर एट टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच में बनेगा। जी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, जी ग्वेनिन का सेकंड, साइटोसिन का सिक्स, इसी तरीके से जी का सिक्स, सी का टू, इन पोजीशन पर यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहां पर ये बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद में हमने देख लिया था कि जो फॉस्फेट है शुगर के साथ में बॉन्ड करते हैं और शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ में बॉन्ड करते हैं। तो वहां पर हमने बॉन्ड के टाइप पढ़े थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था और हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आगे आने से पहले, उन बॉन्डिंग को और डिटेल में जाने से पहले, हम यहां पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, के डीएनए में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे और कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड होंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे देखिएगा। तो फर्स्ट वन आ जाता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए। डीएनए में क्या न्यूक्लियोसाइड, दूसरी तरफ हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। डीएनए की हमें बात करनी है। देखिए, आपको याद होगा कि जो साइड होता है वो तो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस में शुगर, और ये क्या हो जाता है आपका फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है। तो पर मैं बेसिकली देता हूं, यहां पर हो जाएगा शुगर और नाइट्रोजन बेस ऐड होता है, और तब की टाइड के केस में क्या हो जाता है, फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये चीजें कहलाती है आपकी न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में कौन कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड होगा, वो हमें यहां पर क्या करना है, डील करना है कि कौन कौन से यहां पर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, कौन कौन से फैक्टर यहां पर प्रेजेंट होंगे इनके बीच में, वो हमें यहां पर डील करना है। तो यहां पर देखिएगा, डीएनए में जो न्यूक्लियोसाइड है पहला जाएगा दैट इज डीएनए है, तो डीएनए में टर्म हम यूज करेंगे डीऑक्सी, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन। ठीक है, इसके लिए आप ए प्लस एस बी
लिख सकते हो। इसी तरीके से बेटा दूसरा आ जाएगा आपका, दैट इज डी ऑक्सी ग्वेनोसाइन, डी ऑक्सी ग्वेनोसाइन। इसके लिए हम जी प्लस एस लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा थर्ड वन आ जाएगा, दैट इज डी ऑक्सी साइटेड इन। तो यहां पर हम सी प्लस एस की नोटेशन दे सकते हैं। बेटा फोर्थ पार्ट आ जाएगा आपका, दैट इज डी ऑक्सी थाइमिडिन, डी ऑक्सी थाइमिडिन। थाइमिडिन है तो थाइमिडिन के लिए क्या जाएगा, टी प्लस में एस, ठीक है। डीएनए की बात हो रही है तो यहां पर हमने डी ऑक्सी वर्ड लिखा है, और आगे जो जो नाइट्रोजन बेस है वो हमने यहां पर लिख दिया। तो ये तो हो गए सारे के सारे नाइट्रोजन बेस जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। बट अगर इनके साथ में फॉस्फेट ऐड हो जाए, सभी के साथ में अगर मान लो फॉस्फेट ऐड हो जाए, सभी के साथ में फॉस्फेट ऐड होते जाए, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे वो हमें यहां पर देखना है। तो यहां पर मैं लिख दूं फॉस्फेट ऐड, ठीक है। फॉस्फेट का एडिशन अगर सभी के साथ में हो जाए तो फिर यहां पर क्या चीज बनेगी वो हमें यहां पर देखना है। तो बेटा यहां पर बन जाएगा, पहले डी ऑक्सी एडेनोसाइन थे, फिर यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएंगे डी ऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट आ रहा है तो मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ऐड हो रहे हो डाइफॉस्फेट, अगर तीन फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ट्राइफॉस्फेट, वो भी अभी देखेंगे। तो दे विल कन्वर्ट इन टू द डी ए एम पी, ठीक है। फुल नेम इज द डी ऑक्सी एडिनोसाइन मोनो फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से जी ए, तो यहां पर क्या जाएगा, दैट इज द डी ऑक्सी ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर एडिनो के जेम पर क्या जाएगा, ग्वेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। सेम एजेटीज यहां पर डीऑक्सी साइटेडिन मोनोफॉस्फेट, यहां पर साइटेडिन आ जाएगा, वही मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट कितने ऐड हो रहे हैं, एक एक ऐड होने लग रहा है, तो इसलिए यहां पर हम मोनोफॉस्फेट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट आ गया यहां पर डी थाइमिडिन के लिए, तो डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया डीएनए के केस में हो चुके, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, अगर पीछे फॉस्फेट वर्ड यूज नहीं कर रखा तो मतलब हम किसकी बात करने लग रहे हैं यहां पर, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। अगर पीछे मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट आ रहे हैं तो वो क्या कहला जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। आई थिंक शायद आपको क्लियर होगा, अगर फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा आपको न्यूक्लियोसाइड, अगर फॉस्फेट ऐड हो गया है तो दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है दे आर ऑल्सो नोन एज, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, न्यूक्लियोटाइड ऑल्सो नोन एज या फिर डिस्क्राइब्ड एज बाय द टर्म दैट इज न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। शॉर्ट में इसको हम एन एम पी बी बोल सकते हैं। मोनोफॉस्फेट है तो कितने फॉस्फेट का एडिशन होगा, एक फॉस्फेट का एडिशन होगा, ठीक है। एडिशन ऑफ वन फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ऐड होगा। अगर बेटा दो फॉस्फेट ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट का एडिशन, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट। तो यहां पर एडिशन ऑफ टू फॉस्फेट।
अगर इसी तरीके से मान लो यहां पर तीन डेडिशन हो जाए तो तीन के लिए क्या कर देंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो एन टी पी यहां पर एडिशन ऑफ थ्री फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई न्यूक्लियोटाइड की बात, इनके ऑफ द डीएनए। अभी आरएनए में भी बात कर लेते हैं कि आरएनए में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन द आरएनए, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन आरएनए, क्या डीएनए, क्या आरएनए के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड होगा? बिल्कुल होगा। जैसे न्यूक्लियोटाइड आपका आरएनए में सॉरी डीएनए में था, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड आपके इधर भी होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यूक्लियोटाइड है और जो न्यूक्लियोसाइड है वो दोनों जेनेटिक मटेरियल में मिलता है, दैट इज डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसका ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि किसमें प्रेजेंट है किसमें नहीं है, बट वहां पर हम कुछ उसकी नोटेशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो अलग अलग यूज करेंगे। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड है इन द आरएनए, इधर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए में कैसे यूज करेंगे वो चीज देखिएगा। आरएनए में सिंपल बोलेंगे एडिनोसाइन, वहां पर हमने वर्ड यूज कर दिया था डीऑक्सी, है ना, प्रीफिक्स डीऑक्सी लगा दिया था, क्योंकि डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए और आरएनए को डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए डीएनए के लिए क्या लगा देते हैं स्टार्टिंग में, प्रीफिक्स, दैट इज डीऑक्सी। और जिसके सामने बेटा कुछ भी नहीं है तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। एडिनोसाइन रिप्रेजेंटेशन ए प्लस एस, इसी तरीके से ग्वेनोसाइन, ग्वेनोसाइन दैट इज जी प्लस एस, सेम एज इट इज। यहां पर अगर हम बात कर दें थर्ड दैट इज साइटेड इन, दैट इज सी प्लस एस, एंड द लास्ट वन इज द यूरेडिन, थायमिन की जगह पर यहां पर क्या जाएगा, यूरेडिन आ जाएगा। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन बेस है उसको तो आप यूरेसिल बोलते हो, बट यहां पर न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हो। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड है तो यहां पर यूरेडिन, अगर नाइट्रोजन बेस होता तो आप सिंपल क्या लिखते, यूरेसिल लिखते। क्लियर होगा शायद, तो यहां पर आ जाएगा यू प्लस एस। ठीक है, अगर इन सभी के साथ में फॉस्फेट ऐड हो जाए, अगर फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बोलो, देन दे विल कन्वर्ट इनटू द न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर फॉस्फेट, पी का मतलब फॉस्फेट और यहां पर एडिशन, अगर सभी के साथ में फॉस्फेट का एडिशन हो जाए, एक एक दो दो या तीन तीन कुछ भी, तो वो आपके न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसको हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अगर एक फॉस्फेट ऐड हुआ तो एएमपी, फुल नेम इज द एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, बेटा पी के ऊपर सर्कल, दैट इज द फॉस्फेट। अगर जी के साथ में एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो जीएमपी ग्वेनोसाइन मोनो फॉस्फेट, सी के साथ में अगर ऐड हो रहा है तो सीएमपी दैट इज साइटेड इन मोनो फॉस्फेट, और लास्ट अगर यू यूरेडिन के यूरेसिल के साथ में जुड़ गया या फिर यूरेडिन के साथ में जुड़ गया तो दैट इज यूएमपी दैट इज यूरेडिन मोनोफॉस्फेट। तो बेटा ये जो बन गए हैं, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द आरएनए एंड दीज आर द न्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोसाइड ऑफ द आरएनए। ठीक है, अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, अगर फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में। अगर विदाउट फॉस्फेट है तो वो क्या रहेगा, न्यूक्लियोसाइड ही रहेगा। बोलो क्लियर हो गया नहीं? इसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो यूज होता है या फिर जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, दैट इज द ट्राइफॉस्फेट, हमने ऊपर देखा था ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट बना के,
न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफोस्फेट। ट्राइफोस्फेट का मीन जिसके अंदर तीन फोस्फेट अटैच है, एनटीपी इज हाई इन एनर्जी, क्योंकि तीन फोस्फेट है तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, हाई इन एनर्जी, एंड बिहेव एज प्रीकर्सर फॉर फॉर पॉलीमराइजेशन। देखिए ट्राइफोस्फेट है, तीन फोस्फेट है तो एनर्जी काफी ज्यादा हाई होगी, तो एनर्जी अगर ये है तो वही एनर्जी नए डीएनए या आरएनए को बनाने में काम में आती है, तो उसके प्रीकर्सर की तरह काम करेगी। अब ये चीज कैसे आती है वो आपको रेप्लिकेशन वाले पार्ट में और ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट में समझ में आएगा, लेकिन आप सोच सकते हो कि एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट, जीटीपी गुआनोसाइन ट्राइफोस्फेट, ये आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़े हैं, बोथ आर द एनर्जी मॉलिक्यूल। एक एटीपी में कितनी एनर्जी होगी वो आप रेस्ट्रिक्शन में पढ़ चुके हो, एक बार फिर से वहां पर हम रिविजन करके देखेंगे। तो नाउ नेक्स्ट वन इज द मॉलिक्यूलर एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीन। हमें इनकी केमिकल स्ट्रक्चर भी देखनी है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाके देखनी है कि कैसे वो अरेंज होंगे, वो हमें देखना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग कैसे बनेगी, किस किस के बीच में बनेगी, कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, वो चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉस्फेट की बात करते हैं सबसे पहले, तो फॉस्फेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज पी ओ एच ओ एच ओ एच डबल बॉन्ड ओ, दिस वन इज द फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट के साथ में कौन बॉन्ड करेगा, दैट इज सुगर, तो यहां पर हम सुगर बना देते हैं, दिस वन इज द सुगर मॉलिक्यूल। कौन सी सुगर होगी, दैट इज द डीऑक्सीराइबो सुगर, यहां पर ओ एच एच, यहां पर एच एच, सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन निकल चुका था, तो जिसकी वजह से राइबोज डीऑक्सीराइबोज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेकेंड पोजिशन पर एच, थर्ड पोजिशन पर एच ओ एच, फोर्थ पोजिशन पर यहां पर एच, और ऊपर की तरफ क्या चला जाएगा, सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच, पांच कार्बन हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। कल भी मैंने बताया था, तभी ये सक्सेस देखी थी, वन टू थ्री फोर एंड द फिफ्थ कार्बन, पांच कार्बन हो गए, ठीक है। इस सुगर के साथ नीचे क्या मिलेगा, फिर से यहां पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, सुगर के साथ में फिर से नीचे क्या होगा, सुगर का सॉरी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर हम बना देते हैं फॉस्फेट ओ एच ओ एच ओ एच एंड डबल बॉन्ड ओ, ये फॉस्फेट बन गया। इसके नीचे फिर से क्या मिलेगा, सुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर फिर से क्या मिलेगा आपको, सुगर का मॉलिक्यूल मिलेगा। आप चाहो तो एक मॉलिक्यूल फिर से बना सकते हो, यहां पर ड्रॉ कर सकते हो, ताकि आपको ये बॉन्डिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहां पर एक ये डीऑक्सीराइबोस, यहां पर ओ एच एच, सेकेंड पे एच एच, यहां पर ओ एच सॉरी यहां पर एच ओ एच आएगा, यहां पर एच और सी एच टू ओ एच, ठीक है। ऐसे यहां पर ही अटैच करेगा। तो बेटा जो ये सुगर है इसके साथ में क्या चीज अटैच थी, दैट इज नाइट्रोजनस बेस अटैच थे, यहां पर नाइट्रोजनस बेस क्या होंगे, अटैच होंगे। और नाइट्रोजनस बेस आपको पता है कि हमने दो टाइप के पढ़े थे, प्यूरिन एंड द पाइरिमिडिन, वो हमने यहां पर पढ़े थे, टू टाइप्स प्यूरिन एंड द पाइरिमिडिन। तो ये सुगर, ये यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, सुगर और फॉस्फेट, यहां पर मैं लिख देता हूं
दिस वन इज द शुगर मॉलिक्यूल, ये शुगर मॉलिक्यूल है। इफ ओ फोर नेगेटिव, दिस वन इज द फॉस्फेट, लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं। बेटा दीज आर द नाइट्रोजनस बेस। काउंटिंग आपको याद होगी कि हमने काउंटिंग कैसे ऐड करी थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ऐसे हमने यहां पर काउंटिंग ऐड करी, ठीक है। अभी काउंटिंग ऐड करने के बाद में कौन कौन से बॉन्ड यहां पर डेवलप होंगे, कैसे कैसे होंगे, वो चीज हमें यहां पर देखनी। देखिए फॉस्फेट में OH ग्रुप है, यहाँ पर सुगर में भी लास्ट में क्या रहा है, OH ग्रुप आ रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप आने लग रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, एल्कोहल ग्रुप आ रहा है। तो यहां से ध्यान रखना कि बेटा फॉस्फेट का तो H निकलता है, फॉस्फेट का H हाइड्रोजन निकलता है और सुगर का OH निकलता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फॉस्फेट क्या डोनेट करेगा, H, और सुगर क्या डोनेट करेगा, OH। तो यहां पर किसका रिमूवल हो जाएगा, बोलो, रिमूवल ऑफ H2O हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो यहां पर जो है कि पूरा का पूरा जो बॉन्ड बना है, यहां पर जो ये पूरा का पूरा जो एक बॉन्ड का नेचर क्रिएट हुआ है, दैट इज नोन एज द फॉस्फोएसर लिंकेज। इसको हम फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोल देंगे, क्या बोलेंगे, फॉस्फोएस्टर लिंकेज बोल देंगे, ठीक है। लेकिन यहां से फॉस्फेट देगा H और जो सुगर है वो देगा OH, तो वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। यहां पर फिर से देखिएगा थर्ड पोजीशन पर क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन अगेन गिव द OH, सुगर फिर से तीसरी पोजीशन से OH देगा, यहां से फॉस्फेट क्या देगा, H देगा, और किसका रिमूवल हो जाएगा, फिर से वाटर के मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर ये कंडीशन आगे भी चलती हुई जाती है। तो यहां पर देखिए ये जो फॉस्फेट है, जो इसके नीचे वाला एंड है, ये यहां से फिर से क्या लेगा, OH और फॉस्फेट का H, यहां से फिर से किसका रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब आपके सामने की जो एक फॉस्फेट है बेटा, वो कितनी सुगर के साथ में बाइंड हो रहे हैं, एक तरफ थर्ड कार्बन से अटैच हो रहा है और एक तरफ फिफ्थ कार्बन से अटैच हो रहा है। जो ऊपर वाली सुगर है उसका थर्ड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, और जो नीचे वाली उसका फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। यहां पर आप फिर से काउंटिंग डाल सकते हो, 1, 2, 3, 4 एंड द 5th। तो यहां पर पांचवा कार्बन इन्वॉल्व हो गया और यहां पर थर्ड कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहां पर जो एक फॉस्फेट है वो दो सुगर के साथ में बॉन्ड करने लग रहा है, ठीक है। एक फॉस्फेट दो सुगर के साथ में बॉन्ड कर रहा है, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज द, बोलो, एक फॉस्फेट तब दो सुगर के सामने बॉन्ड कर दिए, तो दैट इज नोन एज द फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यहां पर बनने लगा, और जो बंद है वो 3 और 5 के बीच में बनने लग रहा है, तो दैट इज 3, 5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर होगा साहब कि कैसे अटैच होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, एच आता है, हाइड्रोजन आता है, नाइन्थ पोजिशन पर हाइड्रोजन आता है, जो नाइट्रोजन बेस है, दिस वन इज द नाइट्रोजनस बेस, नाइन्थ मेंबर पे एच हाइड्रोजन, यहां पर फर्स्ट पोजिशन पर क्या है, OH है, तो बेटा यहां से OH, सुगर का OH, और यहां से नाइट्रस बेस का H, ठीक है। किसका रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकल चुका है, लेकिन अब यहां पर बेटा बॉन्ड देखिए कि बॉन्ड क्या क्या होगा। यहां पर देखिए आपको याद होगा पहली पोजिशन पर क्या रहता है, सी कार्बन रहेगा, ठीक है। नाइन्थ पोजिशन पर कल बताया था आपको कि यहां पर क्या रहता है, एन नाइट्रोजन रहता है, और फोर्थ पोजिशन पर क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो सी एन सी बॉन्ड, भाई सुगर के पहले कार्बन कार्बन नाइट्रोजनस बेस का नौवे नंबर पे नाइट्रोजन,
फोर्थ पोजिशन पर क्या है? कार्बन। तो बेटा अगर मैं यहां पर फेरूंगा तो आपको ज्यादा कुछ कंजेस्टेड दिखाई देगा कि सर क्या बनाने लग रहे हैं, सारी चीजें मिक्सअप हो जाएगी। तो मैं कुछ पेंसिल की सहायता से लेके बना रहा हूं, मैंने पेंसिल का यूज करके यहां पर बोन्ड ड्रॉ किया है। तो यहां पर बेटा जो ये पोजिशन आ रही है, दिस वन इज नोन एज द वन, शुगर की कौन सी है? पहली पोजिशन। नाइट्रोजन बेस की नोवी, और फिर से यहां पर कौन सा है? फोर्थ। ये नाइट्रोजन एक तरफ, फर्स्ट कार्बन से जुड़ गई एक तरफ, फोर से। तो ये हो गया 1-9-4 लिंकेज, ठीक है। 1-9-4 लिंकेज क्या है? आई थिंक शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज 1-9-4 लिंकेज। दिस वन इज आल्सो नोन एज द सी एन सी, सी एन सी लिंकेज। ये जो पहला है ये किसका है? शुगर का। नाइन्थ पोजिशन पर नाइट्रोजन, ये किसकी है? नाइट्रोजनस बेस की। बेटा फोर्थ पोजिशन पर कार्बन, ये भी किसकी है? नाइट्रोजनस बेस की। तो दिस वन इज नोन एज द 1-9-4 और सीएनसी लिंकेज, इसको हम बोलते हैं। आई थिंक शायद क्लियर होगा आपको ये कि बॉन्ड किस किस तरीके से बन रहा है। सॉरी, यहां पर देखिएगा कि जो फॉस्फेट है वो शुगर के साथ में अटैच हो रहा था, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहां पर शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ में अटैच हो रहा है, तो दिस बॉन्ड इन ऑन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो बॉन्ड जो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनी है। तो दिस बॉन्ड इन ऑन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, थोड़ा सा और नीचे, दिस वन इन ऑन द एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अगर बेटा प्यूरिन है तो कौन सी पोजिशन का यूज होगा, और अगर पायरिमिडिन है कौन सी पोजिशन का यूज होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, लेकिन ये जो डायग्राम आपके सामने बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा सा पेपर जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेज है, जितने भी चांसेस हैं वो लगभग सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको लिख भी दिया है और समझा भी दिया है। दो छोटे छोटे पॉइंट हो रह जाते हैं कि कौन सी बॉन्ड में कौन कौन सी पोजीशन एक्वायर होती है। तो बेटा शुगर का जो है, दैट इज फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन शुगर का प्राइम लगाया है, तो मतलब शुगर की बात हो रही है। और नाइन्थ पोजीशन किसकी? नाइट्रोजनस बेस की, इन केस ऑफ द प्यूरिन, प्यूरिन में नाइन्थ पोजिशन यूज होगी। क्या भाई पायरिमिडिन में नाइन होते हैं? नहीं, तो मतलब वहां पर नाइन्थ पोजिशन तो आने का मतलब है ही नहीं, तो नो तो आएगा ही नहीं। तो यहां पर देखिएगा फर्स्ट कार्बन शुगर का और फर्स्ट पोजिशन किसकी? नाइट्रोजनस बेस की बॉन्ड करती है इन केस ऑफ द पायरिमिडिन। बेटा यहां से देखिए क्वेश्चन बन कैसे बनेगा, इन केस ऑफ द प्यूरिन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस एट विच पोजिशन? 1-4-1-6-1-7-1-9, ठीक है। अगर प्यूरिन की बात करें तो वहां पर बॉन्डिंग होगी 1 और 9 के बीच में, पायरिमिडिन है तो 1 और 1 के बीच में। तो ये तो गई फर्स्ट कार्बन शुगर, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, शुगर के कार्बन को अलग से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऊपर प्राइम लगा दिया था। और ये जो है बेटा, दीज आर द पोजिशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। आई थिंक शायद अभी जितने भी बॉन्डिंग है वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो आप अभी बोल दीजिएगा। और यहां पर एक बात हम और देखते हैं, तो हम इस वीडियो में एक बात और देख लेंगे कि यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा है, और इधर ऊपर का जो शुगर है उसमें फिफ्थ कार्बन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम 5-4-3 प्राइम पोलैरिटी देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। आई होप शायद आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
काफी सारी नई चीजें आपको इधर जानने को मिले होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेहनत से अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिएगा, रिजल्ट भी अच्छे हैं। थैंक यू।